एक्सरसाइज 6.3 था, क्वेश्चन नंबर 18। फॉर द टर्म y इक्वल टू 4s³ माइनस 2s टू द पावर 5, फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच द टेंजेंट पास थ्रू द ओरिजिन। हमें सारा पॉइंट निकालना है जिस पे जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास होना चाहिए, मतलब ओरिजिन मतलब क्या, 0, 0। तो हमारे पास टर्म क्या दिया है, y इक्वल टू 4s³ माइनस 2s टू द पावर 5। तो y इक्वल टू 4s³ माइनस 2s टू द पावर 5 ये दिया है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू s, तो हमारे पास क्या हो जाता है, 12s² माइनस 10s टू द पावर 4। तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, ये इक्वल टू है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट s, y। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट s, y हमारे पास क्या आ जाएगा, 12s² माइनस 10s टू द पावर 4। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट s, y हमारे पास क्या हो जाएगा, वही y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू s माइनस s1। इसमें ये हमारा क्या है, ये s1 और y1, s1 y1 तो जहाँ पे ये आएगा, s1 y1 तो जहाँ पे, तो y माइनस y इक्वल टू m। m हमारे पास क्या है, m हमने अभी निकाला है 12s² माइनस 10s के पावर 4, तो 12s² माइनस 10s के पावर 4 इंटू s माइनस, यहाँ पे मैं कैपिटल लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे s माइनस s, ये s यहाँ पे आ गया, ये y यहाँ पे आ गया, तो दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या बोला गया है, फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच द टेंजेंट पास थ्रू ओरिजिन, टेंजेंट पास थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या, 0, 0। तो अब क्या, y तो जगह पे 0 और s तो जगह पे 0 डाल देंगे, y तो जगह पे 0 और s तो जगह पे 0, मतलब क्या, 0 माइनस y इक्वल टू 12s² माइनस 10s के पावर 4, s तो जगह पे 0 माइनस s, तो जितना, तो y इक्वल टू 12, ये देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इस जगह पे हम लोग क्या माइनस एस डायरेक्टली लिख सकते हैं, इस जगह पे माइनस वाई, दोनों माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो 12s³ ये देखिए ये इधर मल्टीप्लाई होता है माइनस 10s के पावर 5, एस मल्टीप्लाई किया है मैंने और माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, वाई इक्वल टू 12s³ माइनस 10s के पावर 5। और पहले से हमारे पास y इक्वल टू 4s³ माइनस 2s के पावर 5 था, तो अब इस दोनों तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो इक्वेट कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 दोनों तो इक्वेट कर देते हैं, तो 4s³ माइनस 2s के पावर 5 इक्वल टू 12s³ माइनस 10s के पावर 5 इक्वेट कर दिए हम लोग, तो ये तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए s के पावर 5 जो है, यहाँ पे माइनस एस के पावर 5 है और यहाँ पे माइनस 10s के पावर 5 है, यहाँ पे माइनस 2s के पावर 5 है, इसको इस साइड ले आते हैं, तो यहाँ पे ये जो माइनस है ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस 10s के पावर 5 माइनस 2s के पावर 5, तो क्या बचेगा, 8s के पावर 5 प्लस साइन के साथ इक्वल टू 12s³ माइनस 4s³, तो 8s³ एट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, एस के पावर 5 माइनस, इसको इधर ले आए, s³ इक्वल टू 0, तो s³ कॉमन ले लेते हैं, तो s² माइनस 1 इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ गया, s³ इंटू s² माइनस 1 इक्वल टू 0, तो दिक्कत कोई कन्फ्यूजन। अब इससे हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ सकता है, देखिए s³ से तो हमारे पास सीधा आ गया, s³ से हमारे पास सीधा आ जाता है s इक्वल टू 0, पर s² माइनस 1 इक्वल टू 0 से दो वैल्यू आ सकता है, s इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो एक तो हमारे पास आएगा प्लस 1, एक आएगा माइनस 1, ये तीनों वैल्यू पे हमें चेक करना पड़ेगा, तीस इक्वेशन में डाल दे, चेक करेंगे हम लोग इसी इक्वेशन में 4s³ माइनस 2s के पावर 5, तो इसमें पहले एक बार s इक्वल टू 0 डालेंगे, फिर एक बार s इक्वल टू 1 डालेंगे, फिर s इक्वल टू माइनस 1 डालेंगे, इस तीनों पे जो हमारे पास पॉइंट आएगा वही तीन पॉइंट हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो बोला गया ना फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच द टेंजेंट पास थ्रू ओरिजिन, तो यही s इक्वल टू 0 प्लस 1 माइनस 1, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और फिर क्या करूँगा, मैं इस तीनों वैल्यू पे y का वैल्यू निकालूंगा, तो s इक्वल टू 0 जब हम लोग डालेंगे, तो y हमारे पास क्या आएगा, 4 इंटू 0 था क्यूब माइनस 2
इंटू जीरो तो पावर फाइव, विच इज इक्वल टू जीरो। जब एस इक्वल टू हम लोग प्लस वन डालेंगे तो वाई इक्वल टू फोर इंटू वन था क्यूब माइनस टू इंटू वन तो पावर फाइव इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास फोर माइनस टू टू। एस इक्वल टू माइनस वन डालेंगे तो वाई इक्वल टू फोर इंटू माइनस वन था क्यूब माइनस टू इंटू माइनस वन तो पावर फाइव इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा माइनस फोर प्लस टू क्या आएगा माइनस टू। तो इससे तोड़ने एस का वैल्यू जीरो, वाई का वैल्यू जीरो, तो तोड़ने क्या आ गया जीरो तो हमारा जीरो, एस का वैल्यू वन वाई का वैल्यू टू, तो तोड़ने क्या आया वन तो हमारा टू, एस का वैल्यू माइनस वन वाई का वैल्यू माइनस टू, तो तोड़ने क्या आया माइनस वन माइनस टू। तो ये तीनों तोड़िनेट जीरो तो हमारा जीरो, वन तो हमारा टू और माइनस वन तो हमारा माइनस टू, यही तीनों तोड़िनेट हैं पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स हैं एट विच टेंजेंट पास थ्रू ओरिजिन, यही तीन पॉइंट है जीरो तमा जीरो, वन तमा टू और माइनस वन तमा माइनस टू। दो जितना कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द पॉइंट ऑन द टर्म एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एस माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एस एक्सिस। ये जो हमारा टेंजेंट है वो एस एक्सिस के पैरेलल हो, तो पहले याद रहेंगे स्लोप है, स्लोप हमारा निकालेंगे टेंजेंट का, स्लोप कैसे निकालेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, तो क्या आएगा 2s प्लस 2y माइनस हमारे पास 2s प्लस 2y और में हमारे पास क्या आ जाएगा 2s प्लस 2y और y जो है डिफ्रेंशिएशन में एस थ्री सेल्फ निकल रहे हैं तो dy वाई बाई डी एस भी तो आएगा और माइनस टू और ये तो जीरो हो जाएगा, तो इसको लिखना जरूरी नहीं है इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास आ गया, बाकी y वाला टर्म इधर रहेंगे बाकी सारा टर्म उधर लेते जाते हैं, तो हमारे पास क्या होगा 2y इंटू टू भी हमारे पास चलो 2y dy वाई बाई डी एस इक्वल टू टू प्लस टू माइनस टू एस, ये हमारे पास हो जाएगा। अब ये 2 से ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, चले नहीं समझ में आया आप तो 2 तो हमें ले लेते हैं तो 1 माइनस एस, अब ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाए तो y इंटू डी वाई बाई डी एस इक्वल टू 1 माइनस एस है, तो dy वाई बाई डी एस इक्वल टू 1 माइनस एस अपॉन y, ये हमारा dy वाई बाई डी एस आ गया। तो फिर हमारा क्या होगा टेंजेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि एट विच टेंजेंट आर पैरेलल टू एस एक्सिस, तो जब भी ये ऐसा दिया रहे कि टेंजेंट आर पैरेलल टू एस एक्सिस, ये हमने दिया है, इसका ये मतलब हो गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू जीरो, ये बात मुझे पहले ही पता था इसलिए मैंने स्लोप निकाला। अब ये क्या करूँगा मैं इस स्लोप तो जीरो से इक्वल टू इक्वेट कर दूँगा, इस तरह मैंने स्लोप निकाला। ये बात मुझे पहले से ही पता था कि टेंजेंट आर पैरेलल टू एस एक्सिस क्वेश्चन में दिया है, विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एस एक्सिस, तुरंत समझिए थे स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू जीरो है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो मतलब ये तो जीरो हो जाए तो वन माइनस एस इक्वल टू जीरो, एस की वैल्यू क्या आ गई वन, अब एस की वैल्यू वन आ गई इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कहाँ करेंगे इस इक्वेशन में, एस की इक्वल टू वन हम लोग डाल देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। कौन सा इक्वेशन एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एस माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एट एस इक्वल टू वन, तो वन का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस टू एस माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो जब तक यहाँ पे भी एस तो जब भी वन डाल दें तो यहाँ पे माइनस टू रह जाएगा, तो जब तक और वन का स्क्वायर तो वन ही रह जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव प्लस वन, तो माइनस फोर हो जाएगा, माइनस फोर इधर आएगा तो प्लस फोर हो जाएगा, और जब हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट इधर आएगा तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस टू, तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस टू। तो जब एस इक्वल टू वन है तो दो वैल्यू आया, जब वन है तो दो वैल्यू आया, जब एस इक्वल टू वन है तो एक बार प्लस टू आया और जब एक बार माइनस वन है एस इक्वल टू वन है तो माइनस टू आया, तो दो पॉइंट हमारे पास आया दो पॉइंट, और हमें पॉइंट ही तो फाइंड करने के लिए बोला था फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व इतना एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एस एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व इतना एट विच टेंजेंट आर पैरेलल टू एस एक्सिस, तो ये दो पॉइंट है जिसमें टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एस एक्सिस है, ये दो पॉइंट वन तमा टू और वन तमा माइनस टू। तो जितना कोई कन्फ्यूजन